हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे रॉयल इनफील्ड के बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन सा बाइक लेना है करके, स्पेशली इन 2021, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं अभी। तो पीपल आर रियली कंफ्यूज कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो सिटी के लिए अलग बाइक रहता है, फॉर लॉन्ग राइड, फॉर ऑफ रोडिंग, सबके लिए अलग अलग बाइक हैं। तो अभी हम बात करेंगे सिटी के लिए आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए जो कि बेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से सिटी के लिए बेस्ट बाइक जो रहेगा वो है क्लासिक 350, क्योंकि इसमें इंजन हीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है और कॉस्टिंग भी ठीक ठाक है, और 350 सीसी की बाइक है तो बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है सिटी के लिए। राइडिंग पोस्चर इज़ वेरी नाइस, तो आपको बिल्कुल ही थकावट या कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा और आप काफ़ी यू नो राइड एंजॉय करने वाले हैं। सो फर्स्ट आई वुड यू नो प्रिफर रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, और उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो गो फॉर बुलेट 350, दैट इज़ स्टैंडर्ड 350। उसका भी पोस्चर बहुत ही अच्छा है और सेम इंजन है, तो यू कैन ऑलवेज गो विद दिस टू ऑप्शंस। और थर्ड ऑप्शन मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है, जो रिसेंटली जो लॉन्च हुई थी मीटियर 350, तो उसका भी पोजीशन बहुत ही अच्छा है और सिटी के लिए बहुत ही अच्छा है और वाइब्रेशन बिल्कुल मतलब बहुत ही कम है इसमें। तो यू कैन गो विथ मीटियर 350, दैट बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इसका अगर आपका हाइट भी कम है तो आप ये बाइक चला सकते हो। सो आई थिंक यू कैन गो विथ दिस ऑप्शंस। और अभी बात करते हैं लॉन्ग राइड के लिए, तो लॉन्ग राइड टूरिंग के लिए कौन सा बेस्ट बाइक रहेगा। तो मुझे लगता है इसके लिए हिमालयन, जो कि बहुत ही अच्छा बाइक रहेगा लॉन्ग राइड के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल है और इसका सीटिंग पोजीशन बहुत ही अच्छा है फॉर लॉन्ग राइड। क्लासिक भी है, मगर क्लासिक में आप 100 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर्स के बाद थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। और उसके साथ यू कैन ऑल्सो कंसिडर मीटियर 350, क्योंकि इसका भी पोजीशन बहुत अच्छा है, आपको थकावट बिल्कुल नहीं होगी और वाइब्रेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा बहुत कम है। सो यू कैन गो विथ दिस बाइक ऑल्सो। सो दिस आर द टू बाइक्स, एंड ऑल्सो यू कैन गो विथ, आपका बजट अच्छा है तो यू कैन गो विथ इंटरसेप्टर 650, इसका भी पोजीशन बहुत अच्छा है, राइडिंग पोजीशन, मगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको झुक के बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा आप ऑल्ट्रेशन करवा देंगे लाइक चेंजिंग द हैंडल एंड सीट्स एंड ऑल। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस बाइक, दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर लॉन्ग रूट्स एंड टूरिंग। सो इसके साथ यू कैन ऑल्सो गो फॉर क्लासिक एंड आई कैन ऑल्सो गो फॉर स्टैंडर्ड इफ़ यू वॉन्ट टू गो, बिकॉज मैं भी यही चलाता हूँ, मगर प्रॉब्लम इसमें यही है कि सीटिंग थोड़ा सा आप थक जाते हो आफ्टर 100 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर्स, सो दैट इज़ ओनली द इशू, मगर इसमें भी बहुत मज़ा आता है लॉन्ग राइड्स में, मैं यही चलाता हूँ क्लासिक 350। एंड यू कैन ऑल्सो गो विथ बुलेट स्टैंडर्ड 350, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बाइक विथ वेरी गुड पोस्चर। सो मुझे लगता है ये बाइक्स आप लॉन्ग राइड के लिए लेके जा सकते हैं और आप रियली एंजॉय करेंगे इस बाइक में। एंड देयर इज वन मोर बाइक विच इज़ गोइंग टू कम, दैट इज़ क्रूजर 650, जिसको शॉटगन 650 के नाम से भी जाना जाता है। दैट आई थिंक इट्स गोइंग टू कम इन दिस ईयर एंड और मे बी इन 2022 अर्लियर, मे बी जैन फेब में आ सकती है बाइक, या फिर इस साल के अंत में आ जाएगी। और अभी हम बात करते हैं ऑफ रोडर मतलब एडवेंचर बाइक के लिए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा हिमालयन। सो हिमालयन इज मेड फॉर ऑफ रोडिंग, सो आप कहीं पर भी हिली एरिया में यहाँ वहाँ लेके जाना चाहते हो तो ये वाला बेस्ट रहेगा रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और अभी हम बात करें स्पोर्ट्स, जिसको स्पोर्ट्स फील चाहिए, तो वो लोग GT कॉन्टिनेंटल 650 आप ले सकते हो, ये थोड़ा सा आपको स्पोर्टी लुक देगा। और उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो गो विथ इंटरसेप्ट 650 इफ़ यू वॉन्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्चर। सो दिस आर द टू बाइक्स फॉर इफ़ यू वॉन्ट अ स्पोर्ट्स फील, जो आप तेज़ चलाना चाहते हो, इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही अच्छा बाइक है। सो दिस आर द टू ऑप्शन फॉर इफ़ यू वॉन्ट टू गो विथ स्पोर्ट्स फील। सो अभी हम बात करते हैं ऑलराउंडर, मतलब जो कि जो बाइक आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो, पहाड़ों में या फिर हाईवेज पे, सिटी पे। तो उसमें फर्स्ट जो ऑलराउंडर मुझे लगता है रॉयल इनफील्ड में, वो है हिमालयन, जो कि 400 cc की बाइक है। तो ये ऑफ रोड के लिए बना हुआ है और इसको आप लॉन्ग रोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, एडवेंचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हिमालयन इज़ द ऑलराउंडर इन रॉयल एनफील्ड। और अगर आपको और ऑप्शंस हैं तो आप क्लासिक भी कंसिडर कर सकते हो, मगर क्लासिक बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग आप नहीं कर सकते हो, मगर लद्दाख के लिए ये बाइक यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड एंड क्लासिक मोस्टली, सो दे आर वेरी कम्फर्टेबल। यू कैन नॉट डू हार्ड कोर एडवेंचर, बट सिटी के लिए भी ठीक है, हाईवे के लिए भी ठीक है, एंड फॉर थोड़ा बहुत
यू नो रास्ता ख़राब है वहाँ पर भी आप लेके जा सकते हो. सो दीज आर द थ्री ऑप्शंस आई फील विच आर ऑल राउंडर एंड यू कैन रियली एन्जॉय ऑन दिस बाइक्स. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.